गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू संदीपनी एजुकेशन। हमने अगले वीडियो में कविता एक सुबह सीखी थी। आज हमें उसका स्वाध्याय करना है, जो हम अपनी नोटबुक में करेंगे। प्रश्न एक, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। पहला, सूरज किस दिशा में उगता है? पूरब। स्टूडेंट, हम पूरब पे टिक मार्क करेंगे। दूसरा, सूरज के उगने पर आकाश का रंग कैसा होता है? पहला, सुनहरा। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपको पता ही है हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है स्टूडेंट्स, कमल। माता किसे जगा रही थी? माता बच्चों को, लाल को या सूरज को? उसमें से क्या आएगा? लाल को, तो हम लाल पे टिक करेंगे। चिड़िया कहाँ चहक रही थी? पेड़ों पर। पेड़ों पर हम बॉक्स में टिक मार्क करेंगे। प्रश्न तीन, मेल मिलाओ, यानी हमें मैचअप्स करना है। हमें अपनी नोटबुक में क्वेश्चन के सामने सही उत्तर लिखना है। जैसे कि बोर हुए, तो उसका क्या आएगा? सूरज उग आया। तो हमें उसके सामने ही लिखना है सूरज उग आया। ऐसे बहने लगी, यानी हवा अति सुंदर, उसके सामने लिखेंगे हवा अति सुंदर। बीती रात, यानी कमल दल फूले। फूल खिले, यानी कलियां मुस्काए। मेरे प्यारे अब मत सो। भाषा बोध। स्टूडेंट, हमें अपनी नोटबुक में मिलते जुलते टुक वाले शब्द लिखो। जैसे कि छाई लाई, खोलो बोलो, आया छाया, झूले फूले। प्रश्न तीन, एक से अनेक बनाओ। स्टूडेंट्स, हमें ऊपर के प्रश्नों में दिए गए हैं, देखिए, भवरे, न्यारी, झूले, प्यारी, किरणें, मुस्काई और कलिया। वैसे ही हमें एक वचन से बहुवचन करना है। जैसे कि भवरा भवरे, झूला झूले, किरण किरणें, चिड़िया चिड़िया। चिड़िया में हम क्या करेंगे? या के ऊपर चिन्ह लगाएंगे। कली कलिया,